हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर टेस्टी डोसा और चटनी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये घर पे बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप मूँग दाल लिया है, 1/4 कप चना दाल और 1/2 कप चावल। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसे 4 घंटा हम भिगो के रखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 घंटा हो चुका और फूल चुका ये अच्छी तरह से। अब इसे एक पानी और अच्छे तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद मिक्सर जार में ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून बेकिंग सोडा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक के साइड में रख देंगे। अब यहाँ पर चटनी की तैयारी कर लेते हैं। मैंने कढ़ाई में डाला है 2 टेबल स्पून चना दाल और 1 टेबल स्पून उड़द दाल। इन दोनों को मैंने रोस्ट कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ज़ीरा और इस तरह का जो जब थोड़ा डार्क रोस्ट हो जाए तब इसे निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। फिर उसी कढ़ाई में मैंने डाला है 1 टेबल स्पून तेल, ये सरसों का तेल है। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन, ये 8 से 10 कली लहसुन है और 2 से 3 इंच अदरक। अब इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को तेल में 1 से 2 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज, ये चॉप किया हुआ प्याज, ये एक बड़े साइज़ का प्याज है और 2 टमाटर चॉप किया हुआ बड़े साइज़ का टमाटर है ये, और 4 सूखी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और एक बार इसे चला देंगे और ढक्कन लगा के इसे 5 मिनट पकाएंगे, जब तक ये अच्छी तरह से गल जाएगा। और ये देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं और टमाटर और प्याज गल चुका है। अब इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए साइड में। अब यहाँ पर नारियल चटनी बना लेते हैं। मैंने मिक्सर जार में 1/2 कप नारियल लिया है बारीक काट कट करके और थोड़ा सा चना दाल और उड़द दाल जो मैंने रोस्ट किया था उसमें से डाला है, 4 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक और थोड़ा सा हरा धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसका फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं फाइन पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब तड़का की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। उसमें 1/2 टेबल स्पून राई और 1 सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डाला है और इसका तड़का लगा दिया है। ये नारियल की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इधर टमाटर वाले मिक्सर ठंडा हो चुका है, इसको मिक्सर जार में ऐड करेंगे और उड़द दाल चना दाल जो हमने रोस्ट किया था वो भी डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इन सभी चीज़ों का फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है। अब इसके लिए तड़का लगा लेंगे। यहाँ पर मैंने सरसों तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। उसमें 1/2 टेबल स्पून राई और 1 सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर इसका तड़का लगा लिया और साइड में रख देंगे। यहाँ पर मैंने उसी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून तेल डाला है और इसमें अब डालेंगे, इसमें 5 चीज़ें हैं, अजवाइन, ज़ीरा, मेथी, सरसों, राई और सौंफ। ये 1 टेबल स्पून के करीब है, इसे डाल देंगे जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून लहसुन, इसे एक बार चला देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और इसे 1 से 2 सेकंड के लिए भूनेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी और इसे 1 से 2 सेकंड के लिए भून लेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब इसमें डाल देंगे बॉयल्ड आलू, ये 250 ग्राम आलू है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई, बारीक कटी हुई है ये, और थोड़ा सा हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को चलाते हुए हम मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक चलाते हुए इसे भूनेंगे और साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब बटर में डाला है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बटर ना गाढ़ा है ना पतला है, बीच का है। अब यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा तेल और इसे तवे को अच्छी तरह से पोंछ लिया है कपड़े से। अब उस पर से मैंने पानी छिड़का है तवे का टेम्परेचर थोड़ा सा कम करने के लिए और इसे अच्छी तरह से पोंछ लिया है। उसके डालेंगे बीच में बटर और इसे घुमाते हुए राउंड राउंड शेप में घुमाते हुए इस तरीके से हम डोसा बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इस तरीके से घुमाते हुए हम डोसे को बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत टाइम नहीं लगता इसे बनाने में, 1 से 2 मिनट ही लगेंगे बनाने में। और इसके ऊपर मैंने डाला है थोड़ा सा तेल और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लिया है। अब हमने जो टमाटर वाली चटनी बनाई थी उसके ऊपर मैंने इसको लगाया है चारों तरफ। और जब ये अच्छी तरह से सिक गया है डोसा, तो आप देख सकते हैं ये तवा छोड़ चुका है। उसके ऊपर मैंने डाला है आलू जो हमने तैयार किया था और इसे राउंड शेप में घुमाते हुए इस तरीके से मैंने लपेट लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है यहाँ पर डोसा, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक मैं दूसरा बना के दिखा रही हूँ कोन वाले। इसी तरह से मैंने पहले ऑयल लगाया है और कपड़े से पोंछ लिया, फिर थोड़ा सा पानी डाला है, फिर कपड़े से पोंछा है और उसके ऊपर बटर मैंने फैला के इस तरीके से तैयार किया है। आप देख सकते हैं, और मैंने सीजर की हेल्प से इसे कट किया है एक साइड से और राउंड घुमाते हुए इस तरीके से मैंने इसके
कोन का शेप दे दिया है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है। मैं यहाँ पर आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।